जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश एक्साइज कांस्टेबल यानी कि आबकारी सिपाही विभाग में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस भर्ती से रिलेटेड एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी और भी बहुत कुछ ए टू जेड जानकारी आपको देंगे दोस्तों। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों बिना लेट के हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं पहले बता दिया हूँ कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश एक्साइज कांस्टेबल यानी कि इसको हिंदी में आबकारी सिपाही भी बोलते हैं दोस्तों। अगर टोटल पोस्ट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 220 पोस्ट पर भी वैकेंसी निकली हुई है और प्लस में मैं 7,500 भी लिखा हुआ है। इसका मतलब समझिएगा दोस्तों क्योंकि मैं ये वैकेंसी इसलिए लिखा हूँ क्योंकि जो मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने अपने ट्विटर पर जो है वो ये पोस्ट जारी किया है दोस्तों। तो ये पहले पोस्ट आप लोग देख लीजिए और उसके बाद मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। जैसा कि दोस्तों आपने कटिंग को देख लिया, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं उनके ट्विटर अकाउंट है दोस्तों और उसमें आप लोगों ने साफ साफ पढ़ लिया होगा कि उसमें क्या लिखा है दोस्तों। आइए आगे वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। देखिए अगर अप्लाई डेट की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो 10 दिसंबर इसका अप्लाई डेट है और लास्ट डेट जो है वो 24 दिसंबर को होने वाला है दोस्तों। करेक्शन डेट की बात किया जाए तो 29 दिसंबर, अगर मान लीजिए फॉर्म को फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है तो आप 29 दिसंबर को आप करेक्शन कर सकते हैं और उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा दोस्तों। एग्ज़ाम डेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 20 फरवरी 2023 को इसका एग्ज़ाम होना तय है दोस्तों, ये बताया जा रहा है अभी दोस्तों। अगर हम लोग फीस की बात करेंगे तो देखिए जनरल और अदर स्टेट के जो छात्र हैं उनके लिए 560 रुपये का पेमेंट देना पड़ेगा दोस्तों और वहीं पर अगर ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 310 रुपये का पेमेंट लगेगा इस फॉर्म को फिल करने में दोस्तों। आइए आप जान लेते हैं कि एज कब से काउंट होगा। तो दोस्तों देखिए 1 जनवरी 2022 से जो है ये एज काउंट होगा। मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए और वहीं पर मैक्सिमम एज की अगर हम लोग बात करें तो 33 साल होना चाहिए दोस्तों। रिलैक्सेशन की बात कर लें तो ओबीसी के जो छात्र हैं उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और वहीं पे एससी एसटी कैंडिडेट हैं जो अनुसूचित जाति और जनजाति में आते हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों। दोस्तों आइए आगे जान लेते हैं कि किस किस टाइप के पोस्ट हैं और एलिजिबिलिटी देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें क्या मांगा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों रेगुलर की अगर हम लोग बात करेंगे तो रेगुलर में 51 पोस्ट है और एलिजिबिलिटी के तौर पे अगर यहाँ पर ज़्यादा नहीं बस 10+2 यानी कि 12th का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है दोस्तों। दोस्तों कोई भी डिमांड नहीं किया गया है परसेंटेज का, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों हो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो दोस्तों। वहीं पर बैकलॉग टाइप में देखा जाए तो पोस्ट की संख्या जो है 149 है यानी कि टोटल मिला करके दोस्तों 220 पोस्ट होते हैं दोस्तों। आइए आगे अब हम लोग जान लेते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या मानक होगा, क्या क्या पूछा जाना है उसमें। तो देखिए दोस्तों अगर हाइट की बात किया जाए, क्योंकि देखिए इसमें मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट का मैं अलग अलग बता दे रहा हूँ, हाइट की बात करेंगे दोस्तों तो 157.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट का हाइट होना चाहिए। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो 152.4 सेंटीमीटर फीमेल का हाइट होना चाहिए दोस्तों। चेस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे मेल कैंडिडेट का तो 81 सेंटीमीटर मिनिमम और मैक्सिमम 86 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि देखिए फुलाने पे 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए ये चीज़ आपको मालूम होगा। तो ये चेस्ट का क्राइटेरिया हो गया दोस्तों। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है दोस्तों। आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं यानी कि सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों अगर सिलेबस की हम लोग बात करेंगे तो देखिए सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों और 40 मार्क्स का रहेगा यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा दोस्तों। वहीं पे आगे हम लोग बात कर लेते हैं बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि के बारे में। तो इस सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो भी 30 नंबर के रहेंगे दोस्तों। विज्ञान एवं सरल अंकगणित यानी कि साइंस और सिंपल मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो भी 30 नंबर के रहेंगे। तो दोस्तों ये सिलेबस आप लोगों ने देख लिया दोस्तों। आगे हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी की कि सैलरी कितना मिलेगा। तो देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे सैलरी की तो शुरुआती सैलरी जो है यहाँ बताया जा रहा है कि 19,500 से लेकर के 62,000 रुपये सैलरी रहने वाली है, लेकिन इसमें अभी 38% महंगाई भत्ता जुड़ेगा तो ये सैलरी शुरुआती जो है वो लगभग 28,000 के आसपास, जी हाँ दोस्तों 28,000 से 30,000 के आसपास जो है ये शुरुआती सैलरी आपकी होगी दोस्तों। दूसरी चीज़ मैं ये आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो वैकेंसी आ रही है ये मध्य प्रदेश में आई है दोस्तों, ठीक है ना, कांस्टेबल की।
एक्साइज कांस्टेबल की पदों पर जो भर्ती हो रही है वो मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो जो परीक्षा का केंद्र होगा यानी कि एग्जाम सेंटर होंगे दोस्तों, वो मध्य प्रदेश के शहरों में ही दिया जाएगा। तो किन किन शहरों में दोस्तों एग्जाम सेंटर दिया जा सकता है, आइए उसको देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, परीक्षा केंद्र की अगर हम लोग बात करें तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, सागर, सतना और खंडवा, तो इन इन शहरों में दोस्तों परीक्षा का केंद्र जो है वो पड़ सकता है। ज़्यादा चांसेस हैं कि इन्हीं शहरों में पड़ेगा और इसके बाहर जो है वो नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो किसी अदर स्टेट से आते हैं तो वो जनरल कैंडिडेट बन करके इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी मध्य प्रदेश एक्साइज कांस्टेबल यानी कि आबकारी सिपाही विभाग में जो भर्ती निकल करके आ रही है, इसका फुल डिटेल दोस्तों। और देखिए एक बात मैं और बताना चाहता हूँ दोस्तों, अभी तो केवल 220 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकल कर सामने आ रही है, आने वाले समय में समझ लीजिए कि 7,500 पदों पर और भी इसकी भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली दोस्तों। उसके लिए मैंने आपको डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का जो है वो ट्विटर हैंडल अकाउंट दिखा दिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं दोस्तों, ये चीज़ आपको पता होगा। तो उन्हीं ने ऐसा ट्वीट किया है कि आने वाले समय में 7,500 पदों पर और भी पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती होगी दोस्तों। तो आप लोग तैयारी में लग जाइएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही बढ़िया सुनहरा अवसर है दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।